दोस्तों स्वागत है आपका यूके स्पैड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है शेर खान और चतुर खरगोश। सुंदर वन के घने जंगलों के बीच एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही लालची था और खुलेआम घूम घूम कर जानवरों को बेवजह मारा करता था। चूंकि वह जंगल का राजा भी था, इसी कारण वह अपने इस घमंड में किसी भी जानवरों को कहीं भी मार देता था, चाहे शेर खान को भूख लगी हो या ना लगी हो। सभी जानवर डर के साए में जीते जीते थक गए थे। अब सभी जानवरों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए एक फैसला किया और एक मीटिंग बुलाई। उनमें से हाथी दादा ने कहा, यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, हमें शेर खान से बात करनी चाहिए। बहुत विचार विमर्श के बाद सभी जानवर एक दिन शेर खान के पास पहुंच गए और शेर खान से शुतुरमुर्ग ने निवेदन किया कि महाराज आप हमें क्यों मारते हैं। महाराज आप यदि गुफा में बैठे रहें तो हम सभी जानवरों ने एक फैसला किया है कि रोज एक जानवर आपकी गुफा में अपने आप आएगा और आप उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लें। इससे जो जंगल के जानवर कम हो रहे हैं वे कम भी नहीं होंगे और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। और हाथी दादा ने भी कहा, यदि जंगल में प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का क्या महत्व। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो हम में से रोज एक जानवर आपकी गुफा में आएगा और आप उसे मारकर अपनी भूख शांत कर लेना। पहले तो शेर खूब घुर्राया और शेर बोला, ऐसे तो तुम लोग की औकात नहीं है क्योंकि जंगल का राजा मैं हूँ। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने एक बात सही की है कि जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस काम का। यदि तुम लोग खत्म हो गए तो मैं किसको खाऊंगा। यह सोचकर शेर खान ने कहा कि ठीक है, प्रत्येक दिन मुझे एक जानवर मेरी गुफा में चाहिए और एक दिन भी किसने लेट किया तो मैं सभी जानवरों को आगे लाइन से मार दूंगा। शेर दहाड़ता हुआ बोला। अब सभी जानवर चल गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया एक एक जानवर गुफा में जाते गया और शेर खान उसको मारकर अपनी भूख शांत कर लिया और वो जंगल में नहीं आता था। एक दिन एक चुन्नू नाम के खरगोश की बारी आई। चुन्नू खरगोश चूंकि बहुत बुद्धिमान और चतुर था, वह उस लालची शेर के पास जाने के लिए पहले ही एक योजना बना लिया। चुन्नू जब रास्ते में जा रहा था तो उसने सोचा कि मुझे मरना तो है तो शेर के हाथ मरने से अच्छा है कि क्यों ना पहले मैं संघर्ष करूं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और यही सोचते सोचते उस खरगोश ने एक योजना बना ली। और चुन्नू खरगोश जब शाम के समय शेर खान के पास पहुंचा तो शेर खान गुर्राया, ये क्या है। शेर खान ने बोला, तुम छोटे से खरगोश से मेरा क्या होने वाला है, तुम्हारे मित्रों ने मुझे धोखा दिया है। शेर खान ने कहा, मैं जाता हूँ और सभी जानवरों को मार देता हूँ। तो चुन्नू खरगोश ने कहा शेर खान से, बोला, महाराज मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ और 5 खरगोश आ रहे थे ताकि आपका हम पेट भर सकें। लेकिन रास्ते में ही एक दूसरे शेर खान ने, जो अपने आप को इस जंगल का राजा बता रहा था, मेरे 4 मित्रों को मार के खा गया। मैं तो बचते बचाते जैसे तैसे आपके पास आया हूँ। क्रोधित होकर शेर खान दहाड़ते हुए बोला कि कौन है इस जंगल का राजा, कौन दुष्ट वो शेर है जो मेरे सामने खड़ा होगा। चलो मेरे को भी उसके पास ले चलो, मैं उस शेर को मार कर झंझट ही खत्म कर दूंगा। इस जंगल में सिर्फ राज मेरा ही रहेगा और किसी का नहीं, शेर खान ने दहाड़ते बोला। खरगोश बोला, महाराज उस नदी के किनारे उस शेर खान का बसेरा है, वह उस नदी के किनारे में रहता है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब चुन्नू खरगोश शेर खान को नदी के किनारे ले गया। चूंकि वहाँ शाम हो गई थी, चंद्रमा का प्रतिबिंब नदी में पड़ रहा था। अब शेर खान को चुन्नू खरगोश ने कहा कि महाराज उस नदी में ही वह शेर रहता है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब शेर खान जैसे ही नदी में झांकता है तो उसका प्रतिबिंब नदी में दिखता है। शेर खान ने दहाड़ा उसे देखकर, अंदर से भी दहाड़ने की आवाज आई। अब शेर खान ने आव न ताव देखा, क्रोध में नदी में कूद गया और वह बहती नदी में डूब गया। लालची शेर खान का अंत हो गया
और सारे जंगल के जानवर खुश हो गए। सभी जानवरों ने चुन्नू खरगोश का धन्यवाद किया और जंगल में एक बार फिर खुशहाली का वातावरण हो गया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।